ग्लेशियर फट गया था, जिसकी वजह से इस रास्ता देखिए BSF ITBP हर तरफ लोगों की सहायता कर रही है। ये देखिए साक्षात भोलेनाथ का फेस सामने पहाड़ पे दिख रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात पे यहाँ पे सब लोग लगाएंगे हर हर भी ग्लेशियर और इधर भी ग्लेशियर, तो इन सबको की कार जा पा रही है। अब हम लोग पवित्र गुफा से बालटाल की ओर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे पवित्र गुफा से बालटाल का रास्ता कैसा है। ये देखिए बिल्कुल बर्फीला रास्ता है ये अभी पवित्र गुफा के पास, और आपको दिखाएंगे कैसे रास्तों से हम लोग जाएंगे बालटाल, और आप लोग अगर बालटाल के माध्यम से वापसी करेंगे तो आपको कैसा रास्ता देखने को मिलेगा। गुफा के पास सारे लंगर का सामान इन घोड़ों के माध्यम से लाया जाता है, आप लोग देख रहे हैं। और इधर से दो रास्ते हो जाते हैं, एक बालटाल का, एक पहलगाम का और एक संगम का। और जो संगम होता है वहाँ पे दोनों मार्ग मिल जाते हैं, और हम लोग बालटाल के मार्ग से नीचे की ओर उतरेंगे। चढ़ाई हम लोगों ने पहलगाम के मार्ग से करी है, और ये देखिए अभी भी नदी बह रही है कितनी तेज, बहुत अच्छा फ्लो है, और व्यू देखिए कितना प्यारा है हो रहा है। ये देखिए बगल में कितनी ज़्यादा बर्फ है दोनों रास्तों पर, देखिए कितनी ज़्यादा स्नो है, बहुत अच्छा व्यू है, ऊपर से एक झरना भी बहुत अच्छा आ रहा है। बगल में देखिए बर्फ को काट के बगल से एक और रास्ता बनाया गया है, जैसे कि एक रास्ते में अगर जाम लग जाए तो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करा जाए। और आप सभी को बता दें कि अगर आप इन ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं तो रुके ना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि काफ़ी आपको बता दें ग्लेशियर कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं गर्मी की वजह से, इसलिए ग्लेशियर के पास कम से कम ही रुके। देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ग्लेशियर फट गया था, जिसकी वजह से इस रास्ता, ये नीचे वाला रास्ता था, इसको रोक के ऊपर से रास्ता बनाया गया है। अब जितने यात्री हैं ऊपर से जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्लेशियर फटा था जिसकी वजह से यहाँ पे रास्ता बनाया गया है, और इस ग्लेशियर के पास ज़्यादा देर आप लोगों को नहीं रुकना चाहिए। ये आप देख रहे हैं अब हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ा पड़ाव में। घोड़ा पड़ाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, धक्का मुक्की होती है लोगों को, और ये आप देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ़ होती है लोगों को। और घोड़ा पड़ाव ऐसा दिखता है कुछ, और घोड़ा पड़ाव के आगे आपको कोई भी लंगर की सुविधा नहीं मिलेगी, और घोड़ा पड़ाव के बाद काली माता की जो चढ़ाई होती है वो सबसे कठिन चढ़ाई बालटाल ट्रैक की मानी जाती है। और यहाँ का व्यू देखिए कैसा है व्यू, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, लोग स्लिप कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक रास्ता है। इधर भी ग्लेशियर और इधर भी ग्लेशियर, तो इन सबको बहुत ही सावधानी से क्रॉस करना होता है। ये देखिए कितना गहरा ग्लेशियर है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर। बारिश के वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ट्रैक पे कीचड़ हो जाता है। ये देखिए कितना सकरा और कीचड़ वाला रास्ता मिला है हम लोगों को बालटाल जाते समय। और देखिए ITBP हर तरफ लोगों की सहायता कर रही है, ये देखिए कितना भयानक रास्ता है, जाली लगा के इसको थोड़ा चौड़ा किया गया है। मे भी इधर की ग्लेशियर नीचे चली गई हो, इसकी वजह से ये रास्ता ऐसा हो गया है। और आगे रेल पटरी के आगे ये रास्ता थोड़ा सही है, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं काली माता टॉप। दूर से काली माता टॉप दिख रहा है, और ये यहाँ के व्यू देखिए। अब हम लोग संगम के पास पहुंच गए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आगे बालटाल और पहलगाम दोनों मार्ग मिल रहे हैं। घोड़े वाले काली माता टॉप तक इस ट्रैक पर नहीं जाते हैं, घोड़े वाले जो बालटाल पे जाते हैं वो उस ट्रैक से जाते हैं और फिर आगे नीचे उतर जाते हैं, फिर आगे ऊपर चढ़ जाते हैं, आपको बता दें। और बालटाल का जो ट्रैक है सबसे कठिन ट्रैक
2 किलोमीटर का यही होता है काली माता का। उसके बाद अधिकतर आपको उतराई उतराई देखने को मिलेगी। आगे चल के आप लोगों को काली माता के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए सामने काली माता के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि साक्षात बाबा बर्फानी की रक्षा के लिए यहाँ पे काली माता जी स्वयं विराजमान है। और सामने ठीक गुफा के भी दर्शन होते हैं काली माता टॉप से। ये देखिए सामने काली माता जी के दर्शन करिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और ये जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा कठिन है, आप देख रहे हैं। भैया आप बताएं आपको ये काली माता ट्रैक चढ़ने में कैसा लग रहा है? भाई हालत ख़राब हो गई मेरी तो। हालत ख़राब हो रही है, तभी आपने घोड़ा नहीं किया? घोड़ा नहीं करना भाई, पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, इनसे सीखिए, पहली बार आ रहे हैं तब भी घोड़ा नहीं कर रहे हैं। आप लोग कम से कम घोड़ा करिए, बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ही करिए। जैसे ही हम लोगों ने काली माता टॉप क्रॉस किया, आप देख सकते हैं मौसम खराब हो गया है, हल्की हल्की बारिश लग रही है। और आपको बता दें जो सामने पहाड़ आप देख रहे हैं ये पंचतरणी है, यहीं पे आप लोग रुकेंगे। और जैसे ही आप काली माता टॉप क्रॉस करेंगे यहाँ पर आपको कुछ प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। और देखिए मौसम हल्का हल्का ख़राब हो गया है, और जब भी आप लोग यात्रा करें अपने साथ रेनकोट अवश्य रखें। और डरने की कोई बात नहीं, जगह जगह आर्मी है और बहुत सारे लंगर हैं, मगर इस ट्रैक पे बालटाल ट्रैक पे जब तक आप डोमेन गेट नहीं पहुँच जाएंगे आपको बहुत सारे लंगर नहीं देखने को मिलेंगे। और ये देखिए नीचे संगम का सुंदर नज़ारा। ट्रैक पे बीच बीच में आपको आर्मी वालों के फ्री मेडिकल कैंप देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस ट्रैक पे एक अच्छी बात, अभी तक घोड़े वालों ने इस ट्रैक पे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। जैसे हम लोगों ने ये काली माता टॉप और ज़्यादा क्रॉस किया है, बरारी टॉप तक फिर से आपको चढ़ाई देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर से ढलान देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको काफ़ी सारे लंगर रेल पटरी पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए बालटाल का कैसा ट्रैक है, बिल्कुल धूल उड़ा करती है इस ट्रैक पे। इस ट्रैक पर अगर आप आ रहे हैं तो एक मास्क ज़रूर रख लें, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ज़्यादा धूल उड़ाता है और बारिश के बाद सबसे ज़्यादा इसी ट्रैक पर कीचड़ होता है। ये देखिए व्यू देखिए आप, क्या सुंदर व्यू है। ये आप देख रहे हैं बालटाल ट्रैक पे माता जी की तबीयत खराब हो गई है, और सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी यात्रा को सुगम बना रहे हैं। माता जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और ये लोग अपने कंधों पे लेके जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो वहीं पे ये जो जेके पुलिस की MRT एसोसिएशन है, ये लोग इनको कंधे पर लेके जाएंगे। सैल्यूट है ऐसे लोगों पे और इंडियन आर्मी पे जो जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए हैं, और ITBP को भी जो इंडियन आर्मी, जो कि आपको बता दें अमरनाथ यात्रा को बिल्कुल सुगम और सुरक्षित बनाती है। ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और हल्की हल्की बारिश बालटाल में शुरू हुई है, ऐसा मुझको जानकारी प्राप्त हुई है। और सामने देखिए कितना खतरनाक झरना है, और ट्रैक पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, मगर मौसम में हल्का सा परिवर्तन हुआ है इसकी वजह से इस ट्रैक पर बहुत ज़्यादा धूल इस वक्त नहीं है। मगर जब भी आप इस ट्रैक पे आएं और अपने साथ मास्क जरूर लाएं, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हर हर महादेव। ये देखिए एक अद्भुत चमत्कार, साक्षात भोलेनाथ का फेस सामने पहाड़ पे दिख रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात पे यहाँ पे सब लोग लगाएंगे हर हर महादेव। ऐसे डेंजर जोन पे बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आप देख रहे हैं कितनी तेज पानी का फ्लो है बालटाल ट्रैक पे, और ऊपर से पत्थर आने का भी डर होता है। इसके लिए BRO ने यहाँ पे 3 शेड लगाई है, और अक्सर आप इस यात्रा पर अगर आए होंगे तो आपने देखा होगा बालटाल ट्रैक पे पत्थर गिरने का यहाँ का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। रास्ते में जिनकी भी तबीयत खराब हो जाती है डरने की जरूरत नहीं, जगह जगह NDRF की टीम लगी रहती है। आप देख रहे हैं NDRF की टीम नीचे श्रद्धालुओं को नजदीकी बेस कैंप ले जा रही है जहाँ पे इनका उपचार होगा। अब हमने बरारी मार्ग क्रॉस किया है, बरारी मार्ग के पास पहुँचते पहुँचते और भी मौसम खराब हो गया है,
और आपको बता दें बरारी मार्ग तक जेसीबी पहुंचा दी गई है। आने वाले कुछ सालों में ये पूरा ट्रैक पक्का हो जाएगा और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देखिएगा वीडियो के माध्यम से। ये देखिए कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है, ये देखिए, यह है बरारी मार्ग। यहाँ तक जेसीबी के माध्यम से बालटाल, अगर आपने पहले भी यात्रा करी होगी तो इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इतना चौड़ा किया गया है कि एक कार आराम से बरारी मार्ग तक आ जाएगी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हम लोग बालटाल ट्रैक उतर रहे हैं और आपको बता दें अगर आप ये सोच रहे हैं कि बालटाल ट्रैक कम किलोमीटर का है और बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बालटाल ट्रैक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और खड़ी उतराई है, जिसकी वजह से पैरों में क्या समस्या आती है आप खुद यात्रियों से पूछ सकते हैं। आपको क्या समस्या आई बालटाल ट्रैक पे? समस्या बहुत पैर में दर्द हो जाता है। अच्छा, घटना में पैर में। अच्छा, बहुत दूरी ऊंचाई है। बता रही हैं कि खड़ी ढलान है जिसकी वजह से घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और पैर दर्द करता है। आपको बता दूं आप बालटाल ट्रैक से उतर रहे हैं तो आराम आराम से उतरिएगा। रास्ते में आपको इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा लंगर पहलगाम की तरह देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने साथ थोड़ा बहुत खाने के लिए ग्लूकोज के बिस्किट ये सब रखिएगा। और अब बालटाल थोड़ी ही दूर है, आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे एक लंगर लगता है, उसके नीचे बालटाल है। और अभी अभी बारिश बंद हो गई है, आप देख सकते हैं मौसम क्लियर हो गया है और सभी यात्री लोग रेनकोट पहने थे क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना थी। त्रिगुफा से बालटाल की दूरी जो कि करीबन डोमेन गेट की 11 किलोमीटर की और बिल्कुल खड़ी उतराई है। ये कितनी कठिन उतराई है कि घोड़े तक भी स्लिप कर रहे हैं। ये देखिए बालटाल ट्रैक पे बीआरओ ने जब चौड़ा कर दिया तो रेल पटरी के आगे तक भी बीआरओ की कार जा पा रही है। आने वाले कुछ समय में बीआरओ द्वारा पक्की रोड बना दी जाएगी और पवित्र गुफा तक पूरी गाड़ी जाएगी। लोगों ने हॉली गेट से 5 बजे वापसी का ट्रैक स्टार्ट किया था और अब रात के 11 बज रहे हैं और मैं डोमेन गेट पहुंच चुका हूं। और यहां पे बहुत ज़्यादा इस ट्रैक पे धूल थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लंगर भी बहुत कम थे बालटाल ट्रैक पे। और अब मैं पहुंच गया हूं डोमेन गेट। ये थी मेरा व्लॉग हॉली केव टू बालटाल ट्रैक। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आप लोग अगर बालटाल से यात्रा करते हैं तो आपको कैसा कैसा रास्ता देखने को मिलेगा।